सुहाना ने गोलियां खा ली थी और उसके गोलियां खाते ही काकी ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि सुहाना ने जैसे ही दवाई खाई उसका पेट दर्द अचानक से गायब हो गया, साथ ही उसका कराहना भी बंद हो गया। काकी ये देखकर दो कदम पीछे हट गई। अब उन्हें डर लगने लगा था। उनके दिमाग में पंडित जी की कही बातें घूमने लगी। अगर दर्द खत्म हो गया तो फिर समझ जाइएगा कि ये वही चीज है जो किताब में लिखी है, जो हमने पढ़ी है। काकी अब सुहाना की तरफ देखते हुए खुद से बोली, नहीं, इसका मतलब है उस किताब वाली बात सच है। अब क्या होगा? एक तरफ काकी जहां इन सवालों से घिरी हुई थी, तो वहीं सामने बैठी सुहाना को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसकी पलकें भारी होने लगी। दवाई खाने से जहां सुहाना को इस पेट दर्द से राहत मिली थी, तो वहीं उसके बाद से ही उसका सिर भी घूमने लगा था और वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई। फिर सुहाना दीवार से सटकर बैठ गई और धीरे धीरे उसकी आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। काकी को लगा शायद दवा के असर से वो सो गई है, इसीलिए वो सुहाना को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। वहीं सुहाना को इस बेहोशी की अवस्था में अपने सपनों में कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे, कुछ धुंधले से दृश्य। तभी उसने अपने सपने में एक बड़ी और वीरान सी हवेली को देखा, जिसके आसपास के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और सब कुछ बंजर और उजाड़ हो चुका था। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी, आसपास जंगली सूखी घास की झाड़ियां उगी थी और हवेली के ऊपर उड़ रही चीलें उसे भयावह बना रही थी। इन सब के अलावा सुहाना को हवेली के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब सुहाना नीम बेहोशी की हालत में अपने सपने में देख रही थी। इस बीच उसकी नजर हवेली के ठीक सामने खड़ी एक लड़की पर गई, जिसने ठीक सुहाना के जैसी आसमानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। फिलहाल सुहाना की तरफ उस लड़की की पीठ थी और सुहाना को अपने सपने में अभी तक उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ा था कि तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ पलटी और उसका चेहरा सुहाना को साफ साफ दिखाई दिया। उस लड़की के चेहरे को देखते ही सुहाना बुरी तरह से हैरान हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सुहाना उसी बेहोशी की हालत में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो मैं हूँ, पर मैं यहाँ कैसे? ये कौन सी जगह है? सुहाना नींद में ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वो सुहाना जैसी लड़की जो उसे सपने में दिख रही थी, उसका चेहरा बदल गया, उसके बाल बिखर गए, आंखें सुर्ख लाल हो गईं और चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन और सफेद हो गया। फिर सुहाना ने देखा उस सपने वाली सुहाना जैसी लड़की की सामने से साड़ी भी तार तार थी, जैसे किसी ने बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ दिए हो। इतने में सपने में सुहाना जैसी दिखने वाली लड़की के शरीर पर एक छिपकली आकर गिरी, फिर एक और छिपकली उसके ऊपर आकर गिरी और फिर धीरे धीरे कई सारी छिपकलियां उस सपने वाली सुहाना के इर्द गिर्द गिरने लगी। इतनी सारी छिपकलियों को देख कर सपने वाली सुहाना जोर जोर से चिल्ला पड़ी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ! जहां एक तरफ सपने में दिख रही सुहाना चिल्ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेहोश पड़ी सुहाना भी ये देखकर चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ! और ये कहते कहते सुहाना ने अपनी आंखें खोल दी और जब आसपास देखा तो उसने खुद को काकी के घर में पाया। सुहाना ने अपनी आंखें खोली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने जमीन पर गई, जहां चारों तरफ कई सारी छिपकलियां सुहाना को घेरे थी। अपने आसपास इन छिपकलियों को देखकर सुहाना डर गई और थर थर कांपने लगी। उसने बहुत हिम्मत करने के बाद चिल्लाते हुए कहा, काकी, बचाओ! ये छिपकलियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, पहले उस सपने में और अब। सुहाना की आवाज सुन काकी, जो दूसरे कमरे में थी, झट से आई और सुहाना को ऐसे डरते देख कहा, क्या हुआ सुहाना? तुम ऐसे चीख क्यों रही हो? कुछ बोलोगी भी? क्यों चिल्ला रही थी और कौन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? काकी ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। काकी की आवाज सुन सुहाना ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि आसपास कुछ नहीं है, और फिर आसपास देखते हुए बोली, वो अभी यहाँ वो ढेर सारी छिपकलियां थी। ये कहते कहते सुहाना रुक गई और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में फिर से दर्द उठना शुरू हो गया है।
काकी के द्वारा दी गई गोली से पहले तो उसे आराम मिल गया था, पर जब उसने अपने सपने में खुद को भयानक हालत में उस अजीब सी हवेली में देखा और उसके बाद उन छिपकलियों को देखा, उसे अजीब सा लगने लगा था और इन अजीबो गरीब घटनाओं से उसका दर्द एक बार फिर बढ़ गया। काकी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी मदद कीजिए। उसके पेट में इतनी तेजी से दर्द उठा था कि उसकी आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। काकी ने सुहाना को जब ऐसे देखा तो उन्हें एक पल के लिए उस पर दया आ गई और उन्हें हैरानी भी हो रही थी। दवाई खाने के बाद तो सब ठीक था, लगता है सुहाना बच्चे को जन्म देने वाली है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इस हाल में सुहाना को अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। इतना कहकर काकी पानी गर्म करने चली गई, साथ ही कपड़ों का इंतजाम करने लगी। एक तरफ काकी के घर के अंदर सुहाना दर्द से चिल्ला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के चौराहे पर कुछ औरतें सुहाना को लेकर कुछ बातें कर रही थी। उनमें से पहली औरत ने कहा, वैसे तुम सबने गौर किया है, काकी के घर जो लड़की आई है वो बिन ब्याही है। ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि उसका 2 महीने में 6 महीने जितना पेट हो गया है। उस औरत की बात सुन दूसरी औरत ने कहा, हाँ चंपा, पता नहीं किसका पाप ढो रही है वो चरित्रहीन अपने पेट में। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी सामने से एक औरत हड़बड़ाते हुए आई। उसे देख सबने एक साथ पूछा, क्या हुआ मालती, कोई पहाड़ गिर गया क्या जो इतनी हड़बड़ी में आ रही हो? अरे पहाड़ गिरता तो कोई बात नहीं थी, पर यहाँ उससे भी बड़ी बात हो गई है। वो काकी के घर जो लड़की आई है ना, वो हमारे गांव में अपने नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली है, मालती ने कहा। मालती की बात सुन बाकी औरतें चौंक गई और बोली, ये क्या कह रही हो तुम? वो ऐसे हमारे गांव में किसी के पाप को कैसे जन्म दे सकती है? हमें मुखिया जी से बात करनी चाहिए। इतना कहकर सारी औरतें मुखिया के घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो औरतें मुखिया के घर की तरफ बढ़ रही थी, आसमान में काले बादल छा रहे थे, साथ ही हवाओं ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी, मानो वो किसी अनहोनी के होने का संकेत दे रहे हों। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे, मगर चारों तरफ अंधेरा हो गया था। जहां मौसम भयावह हो चला था, तो वहीं वो औरतें अब गांव के मुखिया के घर पहुंच चुकी थी। सभी ने मुखिया जी को आवाज देते हुए कहा, मुखिया जी बाहर आइए और देखिए गांव में हमारे पुरखों के बनाए नियमों के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। औरतों की आवाज सुन मुखिया बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ जो इतना शोर शराबा मचा रखा है? तब चंपा बोली, वो बिन ब्याही लड़की जो काकी के यहाँ रह रही है, वो अपनी नाजायज औलाद को जन्म देने वाली है। ये सुन मुखिया बोला, नहीं ये गलत है, गांव के नियमों के खिलाफ है ये। आप सबका कहना ठीक है, चलिए हम सब काकी के घर चलते हैं और बात करते हैं। इतना कहकर मुखिया और वो औरतें काकी के घर की तरफ चल दिए। एक तरफ मुखिया जी गांव वालों के साथ काकी के घर की तरफ आ रहे थे, तो वहीं सुहाना ने बच्चे को जन्म दे दिया था। सुहाना बेजान सी चारपाई पर पड़ी हुई थी और बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोशी की हालत में थी। अब एक बार फिर बेहोशी की हालत में सुहाना को सपना दिखाई देने लगा। सपने में सुहाना जो कुछ भी देख रही थी वो आज का नहीं लग रहा था। सपने में सब कुछ एक ऐसी घटना की तरह दिख रहा था मानो वो घटना आज से 25-30 साल पहले घटी हो। सुहाना ने अपने सपने में देखा एक गांव की एक लड़की को कुछ औरतों ने पकड़ रखा है, और ये लड़की दिखने में बिल्कुल आज की सुहाना जैसी है, पर इसने साड़ी को एकदम अलग तरह से बांधा हुआ है जैसे आजकल नहीं पहनते। ये गांव बिल्कुल भी आज के गांव जैसा नहीं है, यहाँ पक्के घरों के बदले मिट्टी के घर हैं और सड़कें भी कच्ची हैं। इन औरतों का पहनावा भी एकदम अलग है, इन सब ने एक जैसी काली साड़ी पहनी है। उन काली साड़ी वाली औरतों ने उस सपने वाली सुहाना को घूरते हुए कहा, इस लड़की के अंदर डायन का वास है और इसीलिए इसे निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाओ, यही इसकी सजा है। तभी एक औरत बोली, हाँ निकाल फेंको इसके शरीर से इसकी ये साड़ी। इतना कहते हुए वो औरतें उस सपने में दिख रही सुहाना के कपड़े तार तार करने लगी। सपने में दिख रही सुहाना चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे छोड़ दो, मैं डायन नहीं हूँ। जहाँ एक तरफ सपने में दिख रही सुहाना के साथ कुछ औरतें अत्याचार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज की सुहाना जो बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोश पड़ी थी,
वो बेहोशी की हालत में चिल्लाते हुए उठ गई। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। ये चिल्लाते हुए उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो काकी के घर पर है। और फिर वो खुद से बोली, ये कैसे सपने आ रहे हैं मुझे। पहले मैंने खुद को उस अजीब सी हवेली में देखा और फिर वो औरतें, वो मुझे डायन कह रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। सुहाना ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि उसके बगल में उसका बच्चा नहीं है। अपने आसपास बच्चे को ना पाकर उसने काकी को आवाज दी, काकी, ओ काकी, सब ठीक तो है ना, मेरा बच्चा कहाँ है। उसकी आवाज सुनकर काकी भागती हुई आई और बोली, हाँ तेरा बच्चा, पर वो। काकी को इस तरह घबराया हुआ देख सुहाना बोली, क्या हुआ काकी, बच्चा कहाँ है और लड़का हुआ है या लड़की। इस पर काकी ने कहा, तुम्हें लड़की हुई है सुहाना, लेकिन वो। काकी ने ये कह तो दिया था पर उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जिसे देख सुहाना बोली, लेकिन क्या काकी। सुहाना की बात सुन काकी थोड़ा घबरा गई और फिर आंचल से अपने चेहरे को पोंछते हुए बोली, असल में बच्ची पर कुछ खतरा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत। काकी अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज आई। किसी ने बाहर से कहा, काकी दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा काफी जोर से पीटा जा रहा था। बाहर से आती आवाज सुन काकी ने सुहाना को छुप जाने का इशारा किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही काकी बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि पूरा गांव उनके द्वार के सामने खड़ा था। काकी कुछ कहती कि इससे पहले ही मुखिया ने कहा, काकी आपके घर में इतने दिनों से एक लड़की रह रही है और हमें पता चला है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, किसका पाप लेकर वो यहाँ छुपी हुई है, बताइए काकी। काकी अभी कुछ जवाब देती कि दो तीन औरतें आगे आई और कहा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने उस लड़की को अपने घर में रखकर गुनाह किया, पर हम बस ये जानना चाहती हैं कि वो शादीशुदा है या नहीं। आप हमें उसकी शादी का सबूत दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तभी एक औरत आगे आकर तपाक से बोली, शादी हुई होगी तब देंगी ना सबूत। मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल आई थी तब मैंने देखा था, ना मांग में सिंदूर था ना ही गले में मंगलसूत्र, कहीं से भी वो सुहागिन नहीं लग रही थी। इसीलिए हम सबको उसी से सच पूछना चाहिए। उस औरत की बातें सुन सारे गांव वाले चिल्ला पड़े, हाँ हाँ बाहर निकालो उसे, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। गांव वालों को ऐसे गुस्से में देख काकी ने दरवाजे पर उन लोगों को रोकते हुए कहा, नहीं आप सब रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। पर तभी गांव के कुछ मर्द काकी को धक्का देते हुए अंदर चले गए, जहां पर सुहाना छुपी थी। और सुहाना को देखकर एक आदमी बोला, ये रही, पकड़ो इसे और बाहर निकालो। कहते हुए उस आदमी ने सुहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले आया। जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। कमजोर सी सुहाना ने कराहते हुए दर्द भरी आवाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, और ये कहते कहते सुहाना गिर गई। तभी मुखिया की नजर सुहाना पर गई, जो जमीन पर बैठे गिड़गिड़ा रही थी। मुखिया ने सुहाना को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, जहां एक तरफ गांव वाले सुहाना से सच जानने को बेताब हो रहे थे, तो वहीं मुखिया की नजरें सुहाना के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। सुहाना को बुरी नजर से देख वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी उस आदमी ने सुहाना के बालों को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और घसीटते हुए बोला, बोलो जल्दी, सारे गांव वाले जानना चाहते हैं कि किसका पाप लिए घूम रही हो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर उस आदमी ने सुहाना को घसीटना शुरू कर दिया। सुहाना दर्द से तड़पने लगी और खुद के लिए दया की भीख मांगने लगी, पर किसी को भी सुहाना पर दया नहीं आ रही थी। तभी चंपा ने सुहाना के पेट की तरफ देखते हुए कहा, अरे इसने तो बच्चे को जन्म दे दिया है, इसके बच्चे को ले आओ, फिर ये सब कुछ बताएगी। ये सुन सुहाना घबरा गई और फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, रुक जाइए, मैं सब कुछ बताती हूँ, बस मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा। इसके बाद सुहाना ने सभी गांव वालों को अपने और आनंद के बारे में बता दिया कि कैसे दोनों करीब आए, और फिर एक दिन आनंद उसे ऐसी हालत में छोड़कर चला गया।
पूरी बात सुनकर गांव वालों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। गांव वाले अभी कुछ कहते, इतने में मुखिया के दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने कहा, छोड़ दो इसे, वैसे भी इसके साथ पहले ही बहुत गलत हो चुका है। मुखिया की बात सुन सारे लोग चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना इस लड़की ने हमारे गांव के नियम तोड़े हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? गांव के कुछ लोगों ने कहा। उनकी बात सुन मुखिया सुहाना के पास आया और उसके चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए बोला, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और आप लोगों को मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूँ। चलो सब अपने अपने घर जाओ। मुखिया जी अपना फैसला सुनाकर चले गए और बाकी लोगों को भी वहां से जाना पड़ा क्योंकि वो मुखिया के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तभी काकी ने सुहाना के पास आकर कहा, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ काकी, पर मेरी बच्ची, मुझे उसे देखना है। कहते हुए सुहाना अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए उठी और घर के अंदर गई। सुहाना ने घर में चारों तरफ देखा पर उसे अपनी बच्ची कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अपनी बच्ची को ना देखकर सुहाना घबरा गई और बोली, काकी मेरी बच्ची कहाँ है? ये सुन काकी भी उस कमरे में आई और उन्होंने भी चारपाई के आसपास देखा पर उन्हें बच्ची नहीं मिली तो वो भी घबरा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। इतने में सुहाना की नजर सामने जमीन पर गई। जमीन पर उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान एकदम लाल थे। उन पैरों के निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी औरत के पैरों के होंगे। ये देखकर सुहाना घबरा कर गिर गई और कांपते हुए बोली, काकी ये उल्टे पैरों के निशान किसके हैं? ये सुनकर काकी भी वहां आई और उन उल्टे पैरों के निशानों को देखकर वो बुरी तरह से डर गई और घबराई आवाज में बोली, उल्टे पैरों के निशान, ये तो डायन के होते हैं। ये सुनकर सुहाना के होश उड़ गए। किसके थे ये उल्टे पैरों के निशान? क्या काकी का शक सही है और क्या डायन ही ले गई है सुहाना की बच्ची को? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना सिर्फ पॉकेट एफएम पर।